मार्थिक पक्ष के प्रवर प्रेरणा स्रोत मंचासीन श्रद्धेय संत श्री अनिल साहब जी और मंच पर बैठे तमाम संत महापुरुषों, हमारे श्रद्धेय राम दास साहेब जी और सत्संग के आयोजक आदरणीय प्रभु भगत जी, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, भारतीय चिंतन धारा के दो दिश, एक है ज्ञान कांड और दूसरा है कर्म कांड। ज्ञान मनुष्य को सच्चे सद्गुरु से प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति सत्संग से होती है। ज्ञान सुंदर वातावरण से मिलता है। और कर्म कांड जितने हैं दुनिया के अंदर, वो सब पंडित जी के ब्रेन से निकला। चाहे आप माँ का श्राद्ध कीजिए, पिता का श्राद्ध कीजिए, बेटी का विवाह कीजिए, बेटा का विवाह कीजिए, मुंडन कीजिए, जनऊ कीजिए, घर का नींव दीजिए, उद्घाटन कीजिए, सत्यनारायण व्रत कथा कहवा लीजिए, या विश्वकर्मा पूजा कीजिए, या दुर्गा पूजा कीजिए, काली पूजा कीजिए, या सोखा पूजा कीजिए, या बैद्यनाथ जाइए, जगन्नाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, हरिहरनाथ जाइए, पशुपतिनाथ जाइए, अमरनाथ जाइए, या गंगा जमुना कमला जमंगला कृष्णा कावेरी गोदावरी ताप्ती नर्मदा नदी में स्नान कर लीजिए, चाहे काशी हरिद्वार प्रयाग वृंदावन गोकुला मथुरा जाइए, चाहे रामायण महाभारत गीता सुख सागर वेद पुराण स्मृति पढ़ लीजिए, चाहे अष्टजाम चौपहरा महाविष्णु जग महारुद्र जग सतचंडी जग श्रीमद दिगंबरी निराहारी दूधाहारी पत्र पुष्पाहारी खाकी निर्जली दिगंबरी बन जाए, ये सारा कर्म कांड। कर्म करने की जरूरी है, कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म नहीं करेंगे तो जीवन नहीं चलेगा। खेती करने की आवश्यकता है, मवेशी पालने की आवश्यकता है, पढ़ने लिखने की आवश्यकता है, बिजनेस व्यापार करने की आवश्यकता है, नौकरी चाकरी करने की आवश्यकता है, क्रिकेट खेलने की, सिनेमा में रहने की, ऑर्गन पैड नाल हारमोनियम बजाने की आवश्यकता है। ये सारे कर्म, कर्म से आपका जीवन निर्वाह होगा, कर्म से माता पिता का सेवा होगा, कर्म से बेटा बेटी का पढ़ाई लिखाई होगा, कर्म से बेटा बेटी का विवाह शादी होगा, कर्म से जमीन खरीदाएगा, मकान बनेगा, गाड़ी खरीदाएगा। कर्म की आवश्यकता है। साहेब कबीर रात रात भर कपड़ा बांधते थे, मोहम्मद साहेब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे,
रविदास जी जूता टांगते थे और सुपच भगत सूप लगा रहते थे। सब लोगों ने कर्म किया है, हम लोगों को भी कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म कांड में फंसने की जरूरत नहीं। लोग कर्म भी करते हैं जीने के लिए, जीने के लिए भी कर्म और मुक्ति के लिए भी कर्म। अभी तक मनुष्य के दिमाग में समझदारी में ये बात नहीं आ रहा है कि ये धर्म धुरंधर लोग कैसे हमको धोखा दे रहे हैं और कैसे हमको ठग रहे हैं। इस पर आज विचार ये माता बहन लोग कर्म करती है जितिया, ये जितिया कर्म किसके लिए करती है? बेटा के लिए, बेटा के लिए कर्म करती है जितिया, उपवास रखती है। बिना कर्म के, बिना जितिया के ओसामा बिन लादेन के 56 बन जाता। जितिया सांच हुआ कि झूठ? अगर जितिया सांच होता तो एक भी मुसलमान के पास बेटा नहीं होता, सब निपुत्र हो जाता। काहे कि जितिया कभी नहीं दिया। इसी धरती पर मुसलमान भी, इसी धरती पर है सिख की पत्नी भी, इसी धरती पर है और ईसाई की पत्नी भी, इसी धरती पर कोई जितिया नहीं किया। सबके पास इनको जितिया करके तीन बेटा है, एक एक मुसलमान के बिना जितिया के 13 तरह सांच है कि झूठ? ये करवा चौथ करती है कर्मकांड पति के लिए। पति दीर्घायु हो जाए, अधिक दिन जिए, ये सुहागवती बन के रहे। एक भी मुसलमान सिख और ईसाई की पत्नी करवा चौथ और कर्मा धर्मा नहीं करती है। सबका पति मर गया, सब समाप्त हो गई। अरे मानव जीवन मिला था यही लड़कियां के खेल खेलने के लिए। गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी पाहन पूजिए जस गुड़िया के खेल, निज पिया से भेंट हुआ तो धरा पेटा गाने। जब लड़की नाबालिग रहती है बच्चा, तो माटी के कनिया दुल्हा पोती पिटारी खीर पूरी बना के खेलती है। लेकिन जब वो जवान हो जाती है, जब उसका विवाह हो जाता है और असली दुल्हा उसको मिल जाता है, तो लड़कियां के खेल छूट जाते हैं। लेकिन ये बुढ़ा के मरेगी, लेकिन लड़कियां का खेल इनका बंद बंद। कर्म कांड बंद नहीं हो रहा है। क्यों? कर्म कांड से मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा। कर्म कांड तो करती है, मांसों खाती है, मछलियों को गाड़ियों पर बेटी के कहती है सब हो गया, ज्ञान ज्ञान हो गया। बेटी को सौतिन कहने का मतलब है कि आपके पति का ही पत्नी है। पति को गाली देती है, सास को गाली देती है, ससुर को गाली देती है, जितिया भी करती है, करवा चौथ भी करती है। बंधुओं, माता बहनों, बड़ा सौभाग्य से ये नर्तन मिला। साहब कबीर कहते हैं, अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई, जो दहिया देवन को दुर्लभ सो दहिया तुम पाई। अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई,
तजी प्रपंच अविद्या पाखंड छारहु मान बराई। साहब कबीर कहते हैं परपंच क्यों दिल में रखते हो, परपंच क्यों जोड़ते हो किसी के परपंच। आज तो साधु संत भी परपंच जोड़ते हैं। हमारा वीडियो का ये आदमी डाला, जब वो जाता है किसी के पास तो कहता है परपंच नहीं तो क्या है। कभी भी हृदय में किसी के प्रति छल परपंच नहीं रखना चाहिए। पाखंड को छोड़ दीजिए, अविद्या को छोड़ दीजिए, अज्ञानता को छोड़ दीजिए, छाड़ मान बराई और अपना मान बराई भी छोड़ दीजिए। परम पूज्य अभिलाष साहब कहते थे बहुत बोलने वाले को भी एक दिन मौन साधना होगा। क्या कर दिए बहुत बोल के। एक दिन हम मंच पर बैठे थे, इसी तरह बोल रहे थे, समय पूरा हुआ, मंच संचालक ने कहा आपका समय अब समाप्त हुआ, हमसे बोला गया कि वो बोलना तो और था। मंच पर से उतरे अधर्म स्वरूप साहब को बोला कहे कितना बोलना था, हम पांच घंटा का समय आपको देते हैं, क्या कीजिएगा बोल के। मान बड़ाई पाना चाहते हैं, उसी दिन बात से हम कान पकड़ लिए कि ऐसा बात जीवन में हम कभी नहीं बोल सकते। कितना बोलना है, बहुत बोलने वाले को भी एक दिन मौन साधना होगा और बहुत जानने वाले को भी एक दिन स्मृति होना होगा। एक दिन हम भी चौकी पर पड़े पड़े ताकेंगे, एक शब्द मुंह से नहीं आया, जो भी जानकारी है एक दिन सब समाप्त होगा और समाप्त होके तब यहां से चलेंगे, सब खत्म हो जाएगा, बोलना चालना सब खत्म हो जाएगा। तजी प्रपंच अविद्या पाखंड, क्या है आपका जिस पर अहंकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा गुण कृत सन्नी पात नहीं के को न मान मद पहुंचे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में गुण रूपी संपात भाव किसको नहीं हुआ, कौन ऐसा धीर गंभीर पुरुष है गुण का अहंकार। अंत में क्या जाएगा आपके साथ, किस चीज का अहंकार है, बोली जाएगा, ये प्रवचन जाएगा, ये वस्त्र जाएगा, ये शरीर जाएगा, यहाँ कान नाक जाएगा, ये जमीन जाएगा, पत्नी जाएगी, बेटा जाएगा, बहू जाएगी, बेटी दामाद जाएगा, गाय भैंस जाएगा, क्या है आपका जिस पर आप अहंकार में फूल रहे हैं। कफन भी मिलेगा उचिता पर जल जाएगा पहले, किसका अहंकार है, रूप का, रूप भी चिता पर जल जला जाएगा। जिस मुंह में लिपस्टिक लगाते हैं, आंख में काजल और मुंह में लगाते हैं उजर का स्नो पाउडर, वो मुंह भी एक दिन जलेगा चिता पर। अहंकार किस बात का। तजी प्रपंच अविद्या पाखंड छारहु मान बराई। संत संग होए भज सदगुरु के, संत संग होए भज सदगुरु के, ए परम सुखदाई, ए परम सुखदाई अवसर बहुत भलो रे।
भाई क्या करके आप लोग समय बिता रहे हैं? जितिया करवा चौथ कर्मा धर्मा अतीज करके छठा चंदा करके काली दुर्गा के खोइचा भर के ये सारा लड़कियां के खेल खेल के अंत में रोना होगा, याद कर लेना, अंत में रो करके दुनिया छोड़ना होगा। इसलिए कि पूरा जीवन गप गप कर दिया, पूरे जीवन को पंडित जी ने गप गप में बिता दिया, झूठ के खेला 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 करके अपना आमदनी करके घर ले गया और आपसे झूठा रोजगार जीवन। कभी भी महिलाओं को सदगुरु कबीर की बाणी प्रवेश नहीं करता। महिला सब कबीर साहब के बाणी से बहुत हरक के पंडित जी आ जाकर है जगमान नहीं कल ले तो छठ के नहा खाए बाप रे खुशी से बेकल हो जाए एक डगड़ा गोहूं लेके पंडित जी को दे दे कल ले तो नहा खा नहा खा के क्या किया नहा खा के क्या किया इसका मतलब और दिन नहा के खाना नहीं है बस एक दिन नहा के खाना है। जीवन भर कर्म कांड ज्ञान के निकट तो मनुष्य जाना नहीं चाहता। कर्म कांड के साथ शाखा होते हैं याजन अध्ययन अध्यापन दान पतिग्रह मैथुन या करना या कराना दक्षिणा लेना दक्षिणा देना विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना और बच्चा पैदा करना हिसाब से कर्म कांड। इसका परिणाम इसे मुक्ति नहीं होगी इसे सुख शांति नहीं मिलेगी इसे मोक्ष नहीं होगा आपका कर्म से कर्म का बदला देना। बदला देने के लिए किसी मादा जाति के किसी मादा जाति के पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा किसी मादा जाति के गर्भ में कर्मानुसारी जीव को जाना पड़ेगा। गाय के गर्भ में जाए चाहे भैंस के गर्भ में जाए चाहे हथनी के गर्भ में जाए चाहे घोड़ी के गर्भ में जाए चाहे बाघिन के गर्भ में जाए कर्म का परिणाम तो भोगना है। जाना पड़ेगा गर्भ में मादा होगी फूल नर होगा फल और उसके गर्भ में 9 महीना 11 महीना रहना पड़ेगा तब वहां से निकल के आना पड़ेगा और अपने कर्म का परिणाम इसी धरती पर भोगना पड़ेगा अब भोग करके अब फिर श्मशान जाना पड़ेगा। यही होगा कर्म का खूब जितना जितिया करवा चौथ। अच्छा एक बात बताइए जितना महिला जितिया किया जो दादी रही होगी परदादी सब जितिया किया वो है कि चली गई सब गई और सबका पति है कि गया गया और सबका बेटा है कि गया सबका बेटा भी चला गया। यहाँ कोई रहने आया है आप भी जितिया करते हो आप भी चलने के लिए तैयार हो और आपका बेटा भी तैयार रहे और आपका दूल्हा भी तैयार रहे सबको कबीर साहब ने कहा कुशल खैरियत सही सलामत कहूं कौन को आया है जन्मत मरत देर न लागे ज्यों बादल में छाए कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई। आप समधी से पूछते हैं कुशल समधी आपसे पूछता है आप भी कहते हैं कुशल ठीक है आपका समधी भी कहता है कुशल ठीक है लेकिन वास्तविकता है ना आपका कुशल ठीक है ना आपके समधी का कुशल ठीक है। कल ही तो खबर आएगा समधी साहब समधी जी गुजर गए तो कुशल किधर गया समधी साहब का कुशल किधर गया। बंधु सुरनर मुनि वो पनपटा सात दीप नौ खंड कहे कबीर सब भोगियां देह धरे के दंड। देह धरने का जुर्माना तो देना होगा देह धरने का जुर्माना देना होगा। ये देह किस लिए मिला है मालूम है? स्नो पाउडर लगाने के लिए केवल दर्जन के दर्जन बच्चा पैदा करने के लिए देह मिला था। देह मिला था ध्यान के लिए और साधना के लिए।
देह मिला था कल्याण के लिए। देह आज कहां जा रहा है, किस काम में? बंधु कर्म कांड किसका है मालूम है? बीजक में साहब कबीर कहते हैं, सार शब्द से बांची मानहु इतवारा हो, आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन वाके बारा, तिरदेवा शाखा है पल्लव है संसारा हो, ब्रह्मा वेद सही कियो शिव जोग पसारा हो, विष्णु माया उत्पत्ति कियो ये उल्ले देवारा, तीन लोग दस मुख दिशा जमजमो के द्वारा हो, कीर भये सब जियरा लिए बीस का चारा, ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो, कर्म के बंसी लाए के पकड़ो जग सारा, कर्म के बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो, कि पूरे दुनिया को कर्म कांड में फंसा दो, सारे लोग फंस चुके हैं कर्म कांड। ज्ञान की बात लोग सुनना नहीं पसंद करता है, ये कर्म मार्ग जो है वो ब्रह्मा जी का मार्ग है। आज भी ब्रह्मा जी के वंशज ब्राह्मण आज भी आपको कर्म कांड में फंसा के रखता है। ब्रह्मा वेद सही कियो शिव जोग पसारा हो, विष्णु माया उत्पत्ति कियो, कर्म कांड ब्रह्मा का मार्ग है, उसी मार्ग में सब लोग फंसे। दूसरा है उपासना कांड, उपासना कांड है विष्णु के, इसके भी सात शाखा है, सूर्य शिव शक्ति गणपति विष्णु राम और कृष्ण, सारे लोग इसी का पूजा त्योहार करते हैं, इसी का ध्यान करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, सह जाते हैं, क्यों? बेटा चाहिए, हे भगवान बेटी चाहिए, नाती चाहिए, पोता चाहिए, जमीन चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, उपासना के साथ साकार है, ये विष्णु का मार्ग है। सब लोग या तो कर्म कांड में फंसे हैं और नहीं तो उपासना कांड में फंसे, किसी के मांगने से कुछ मिल जाएगा क्या? मांगते मांगते कितना कितनी महिलाएं मुस्मात बैठी है, कितनी महिलाएं पुरुष पुत्र बन के बैठे हैं, मांगते मांगते कितने बिना जमीन के भूमिहीन बन के बैठे हैं, कितना के बेटा के विवाह नहीं हुआ, कितना का बेटा लूल लांगर बता आनहर बन के बैठा है, क्यों नहीं भगवान दिया? इतना दिन से तो मांग मांग रहे, यही मंसूरपुर गांव में सबका धन दौलत एक समान है क्या? सबका जमीन एक समान है क्या? सबका बेटा बेटी एक समान है क्या? सबका गाय भैंसी एक समान है क्या? सबका मुंह कान नाक एक समान है क्या? तो एक बाप माँ के अगर पांच बेटा है तो माँ बाप पांचों बेटा पर अपना स्नेह रखता है कि पांचों बेटा हमारा है। पूछिए तो किसी पिता से और माँ से कि एक बेटा आपका दलितर हो जाए तो क्या कहेगा? ना, पांचों बेटा हमर सुखी और स्वस्थ रहना चाहिए, माँ बाप कामना करता है। अगर भगवान ऊपर में एक बैठा है तो इसका एक बेटा दलितर क्यों हो गया जिसको बसने के लिए जमीन नहीं है, और एक बेटा 500 बीघा जोत रहा है? ये दिमाग में है किसी के पास? अगर भगवान ऊपर में है तो भगवान की बेटा की यही स्थिति है कि एक जहाज पर चले और एक के पास टूटल साइकिलो न, एक यहाँ नमक का बोरा चौंका हुआ रहे और एक के रोटी पर नमक न, ये व्यवस्था भगवान किया? हमारे गुरुदेव तो एक बार कहे कि हमको अगर भगवान मिल जाता
तो उसके देह पर पेट्रोल छीट या सलाज बार के लगा देने में कोई है कोई हरिया? ऐसे दुर्नीति वाले भगवान को ऐसा सजा देने में कोई हर्जा है क्या? एक बाप हो पांच बेटा में दुइये बेटा के सब संपत्ति लिख दे तो तीन बेटा बाप को छोड़ देगा क्या? आरती उतारेगा कि गोली मारेगा? भगवान ने क्या व्यवस्था किया अपने अपने बेटा बेटी के लिए? कुछ को उच्च जाति बना दिया, कुछ को नीच जाति बना दिया और कुछ को मध्यम जाति बना दिया। भगवान कोई समझदारी नहीं, मानव के पास आज तक कोई समझदारी नहीं आ रहा है। केवल खाना और पैखाना करना और केवल बच्चा पैदा करना यही ज्ञान है मनुष्य के पास। कुछ सोच नहीं है दिमाग में। बंधु इस पर विचार करने की आवश्यकता है, इस पर चिंतन करने की जरूरी है। अगर भगवान है परोक्ष में, अगर भगवान है तो इस सारी महिलाएं भगवान को कौन लगेगी? यस यस भगवान पिता है, सृजनहार है, भगवान सृष्टि करता है, सबका बाप है। तो ये महिलाएं भगवान को कौन लगेगी? हम लोग बेटा, हम लोग भगवान के बेटा, ये महिलाएं भगवान की बेटी। साहब कबीर पूछते हैं, सृजनहार न ब्याही सीता, जल पसान नहीं बंधा, वह रघुनाथ एक को सुमिरे, जो सुमिरे सो अंधा। जब सारी दुनिया की औरत भगवान की बेटी है तो भगवान ब्याह किसे किया? बेटिये से ना, वह बेटी से ब्याह करने वाला का आप लोग पूजा करते हैं, पूरे जिंदगी से करते आ रहे हैं। एक आदमी से मैंने पूछा, पंडित जी से, सरस्वती के पिता कौन है? बड़ा ताव में कहा, ब्रह्मा जी, हमकी सरस्वती का दूल्हा कौन है? मुंह से बोलिए नहीं। इस पर विचार कभी हुआ? महिला विचार किया, पुरुष विचार किया कभी? कभी बेटा बेटी को अच्छा ध्यान देने का आपने काम किया? कभी कुछ समझाया? दुर्भाग्य है कि आज कबीरपंथी का बेटा बेटी सब किसी को साधु संत से स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है। जो हमारे पुराने लोग सब हैं, चाहे वो राम अवतार भगत जी हों, प्रभु भगत जी हो, राजेंद्र भगत जी हो, कृष्णा भगत जी हो, तुला भगत जी हो, ये सब लोग चले जाएंगे, बस यहां से कबीर पंथ का खात्मा हो जाएगा। कि बेटा बेटी पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। नागा बाबा चले गए, दीप नारायण सिंह चले गए, परिवार चला गया, जान जान अब वहां कुछ नहीं से। दीप नारायण सिंह के साथ एक ब्राह्मण थे, मास्टर साहब चले गए, उनका परिवार खत्म हो गया। मैं तो नहीं कहता हूं कि धन मत कमाइए, खेती मत कीजिए, खेती कीजिए, जीने के लिए तो करना है, सुख से जीने के लिए कर्म करना है। खेती कीजिए, पढ़िए लिखिए, नौकरी कीजिए, घर बढ़िया बनाइए, जमीन खरीदिए, लेकिन उसके साथ साथ साहब कबीर ने कहा, अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, लेकिन भक्ति महातम ना तुले सब कोने का। अगर भक्ति आपके जीवन में नहीं है तो सारा धन आपका खाक है, कुछ सब समाप्त।
धन से अधर्म होता है, धन से बारान अधर्म होता है, धन से अंतरत अहंकार होता है, तो धर्म कैसे होता है? धन से धर्म होता तो कबीर साहब का है कहे मन लागो मोरे यार फकीरी में। अरे प्रभु भगत से बहुत लोग को ज्यादा धन होगा, प्रभु भगत को ज्यादा धनवान व्यक्ति नहीं, बहुत धनवान होगा, लेकिन जो इन्होंने कर दिया अपने जीवन काल में, जो साधु संत के प्रति इन्होंने अपना त्याग दिखा दिया, बहुत धनवान से नहीं है। धन कोई माने नहीं रखता, विचार ज्ञान सबसे बड़ा चीज है। धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन एक पैसा जोड़ जोड़ करके तिजोरी में लगता है। कबीर साहब कहे स्वान भग सोम धन दोनों एक समान, स्वान भग सोम धन दोनों एक समान, ढालत ही उपजे निकस निकले। कबीर माया बेस्या दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न पूछे। कबीर साहब धन को बेस्या से तुलना किए, जैसे बेस्या के यहाँ कोई जा रहा है व्यक्ति तो वो आदर से बुलाती है, आओ आओ, आज उसका काम बन गया, माल ले लिया, मारे गला भागो जल्दी से। उसी प्रकार से धन अगर आपके यहाँ आ रहा है तो समाज के सारे लोग आदर करेंगे, आइए भाई साहब चाय पी लीजिए, नाश्ता कीजिए। आ कहीं धन जा रहा है तो छिप जाएगा, आ रहा है दलिद्रा कहेगा चाय पिलाने के लिए छिप जाओ। धन से ज्यादातर धर्म होता है। कबीर पंथ में कितने धनवान लोग हैं हमको नहीं लगता है, कबीर पंथ में धनवान लोग नहीं है, इसलिए इसमें कसौटी है ज्यादा, धनवान टिक नहीं पाएंगे, उनको तो धन बढ़ाना है, गलत गलत काम करके वो कैसे आएगा कबीर पंथ में, आ नहीं सकता, वो दूसरे पंथ में जाएगा, कबीर पंथ उसमें भी पारक सिद्धांत में वो नहीं आ सकता। यहाँ कसौटी पर कसौटी, कसौटी पर कसौटी, टिक नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा विष्णु जी का उपासना मार्ग, सब लोग उपासना में फंसे, सब लोग भगवान के आगे एकदम खड़ा है कुछ मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए, अब मिला आज तक कुछ नहीं, 10 कट्ठा से 11 कट्ठा नहीं हुआ आज तक के भगवान के पूजा करके। एक महात्मा जी के यहाँ गए, वो बुलाए हमको सत्संग में गए, हम दरवाजे पर बैठे थे, अब उनको जो भी शिष्य सब आता था बंदगी करने, बंदगी करके कहता था गुरुजी हमारा बेटा के तो नहीं भले नौकरी, अच्छा 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 अगला साल बोलो, कोई आवे गुरुजी हमारा नाती के तो नहीं भले, अच्छा अच्छा अगला साल बोलो। हम मोने मन हम सोच रहे हैं ये महात्मा जी के पोता तो अपने भैंसी चढ़ाता है, ये दोसर के खाली नौकरी बांटते हैं, अपना पोता के ना पहले लगा लेना चाहिए तब ना दूसर के बाद बात देना चाहिए। बंधु इससे नौकरी नहीं मिल जाएगी किसी के मांगने से, और किसी के मांगने से धन नहीं मिल जाएगा, ये सब प्रारब्ध का भोग कर्म का परिणाम, और प्रारब्ध बनता है कर्म से। आप बताइए बिहार में अगर नाव जो दाढ़ी बनाने वाला होता है ना नाई ठाकुर, उसकी जनसंख्या पूरे बिहार में कितना होगा? कोई गांव में 2 घर, कोई गांव में 1। अपना कर्म का परिणाम, अपना प्रारब्ध का भोग था, तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 3-3 बार बार कर्म के परिणाम से, जब हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे समस्तीपुर जिला पूसा रोड हाई स्कूल में, वहां कर्पूरी ठाकुर का भाषण होने वाला था बहुत दिन पहले, आज तो मेरा 68 बरस का उम्र हुआ, उस दिन रहे होंगे 16-17 बरस के जब मैं मैट्रिक में था,
उनका भाषण होने वाला था चक हाजी में, और उनके परम मित्र थे मोहम्मद सखावत। वो पैर से कुछ लांगर होके चलते थे, हाथ में बेंत लेके बड़ा भारी हो जाते। जब चकहाजी नदी में टमटम ढूला, पानी नहीं था सूखा हुआ था, तो मोहम्मद सखावत बोल दिए ठाकुर जी से, ठाकुर जी एक बात कहे, का कही? तो लगता है कि भविष्य में आप बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठाकुर जी टमटम पर से कूद गए, कहा तुमको हम ही मिले हैं मजाक करने के लिए। इतना ज्यादा बिहार में, इतना कुशवाहा बिहार में, इतना कुर्मी भूया बिहार में, इतना भूमिहार राजपूत बिहार में, जनसंख्या वाला जाति वो नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। ये घरवा हजाम बनेगा बिहार के मुख्यमंत्री। जाओ तुम्हारे साथ हम टमटम पर नहीं चले, तो हमसे मजाक करते। झंझट हो गया दोनों आदमी। वह दिन दूर हुआ जब माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, वो अपने कर्म का प्रमाण। कर्म से सब कुछ, और किसी के मांगने से कुछ मिलेगा नहीं। कबीर साहब का मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, और मांगना से मरना भला। यह सब गुरु के भीख। सब आदमी अगर सुख से जीना है तो कर्म कीजिए। सब लोग खेत में कमाइए, घर में कमाइए, फैक्ट्री में कमाइए, सिनेमा हॉल में कमाइए, क्रिकेट में कमाइए, विद्यालय में जाके विद्या अध्ययन कीजिए, पहलवानी कीजिए, अखाड़ा में जाके अगर कुछ पाना है तो कर्म कीजिए। कर्म से मिलेगा। अगर मुक्ति पाना है तो संतों का संग कीजिए। मुक्ति मुक्ति अगर पाना है, कल्याण पाना है, तो ज्ञान मार्ग में जाइए। अगर सुख पाना है, सुख पाना है तो कर्म मार्ग में चलिए, और शांति पाना है तो ज्ञान मार्ग में चलिए। शांति कर्म से नहीं मिलेगा। ये दुनिया जीने के लिए भी कर्म में फंसा है, और शांति के लिए भी कर्म कांड में फंसा है, और सब पंडित जी फंसा के रखा है। थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने किया। हमको भी ट्रेन पकड़ना है, कल का कार्यक्रम झारखंड में है। हम सोचते हैं आज कम से कम मानसी तक हम चले जाएंगे, तो वहाँ कबीर आश्रम पर रात्रि विश्राम कर लेंगे, और सवेरे वहाँ से टेम्पू पकड़ेंगे, चले जाएंगे भागलपुर, और भागलपुर से बस पकड़ेंगे हम झारखंड चले जाएंगे। तो मैंने साहब जी से कहा था, साहब जी 12 बजे तक के आरती पूजा समाप्त हो जाना चाहिए। कहा बिल्कुल हो जाएगा। प्रभु भगत जी ऐसे व्यक्ति है जो बात से एक सेकंड इधर से उधर करने वाले व्यक्ति। बहुत दिन से मैं इनके यहाँ आता हूँ, गृहस्थ में रहते हुए जिन्होंने इन्होंने पालन किया है, जो इनके पास जो विवेक और बुद्धि है, बहुत लोगों संतों के पास उतना नहीं है जितना गृहस्थी में रह के अध्ययन कर चुके हैं। समय की पाबंदी, संतों की सेवा की पाबंदी सब इनके पास है। थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने किया कर्मकांड और ज्ञानकांड पर। कर्म कीजिए जीने के लिए, और ज्ञान में रहिए मुक्ति पाने के लिए। बस बोलिए सद्गुरु देव की। अर्चनी वन्नी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, कल मैंने कुछ कहने का प्रयास किया था कि हमारा जो बेशकीमती समय है उसका सदुपयोग करें। आज भी हमारे पास समय बचा है। एक व्यक्ति दो कांच के गोली बदल करके जीवन को बदल देता है, घर की सुविधाओं को बदल देता है, वैसे ही हमारे पास बेशकीमती जीवन बचा है।
बेशकीमती जीवन इसलिए बचा है, इसलिए बेशकीमती है क्योंकि हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वो लोग बेचारे असहाय है जो चाह करके भी सत्संग में नहीं आ सकते, क्योंकि चलने की शक्ति नहीं आता, दूसरों के सहारा लेता है, बेसहारा है। जो चाहता तो है सत्संग सुनना, लेकिन यहाँ तक आने के लिए उनके पास साधन नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं तो सत्संग में आने के लिए, लेकिन बेचारा आंख से देख नहीं सकता, इसलिए नहीं आ सकता। कुछ लोग चाहते हैं सत्संग सुनना, लेकिन वो सत्संग सुन नहीं सकता, क्योंकि उनके कानों पे सुनाई नहीं देता है। किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो कि आज अवसर मिला है हमको। हम सत्संग स्थल में बैठे हैं। एक ऐसे सत्संग, एक ऐसे विचारों की क्रांतियां, एक ऐसे विचारों का लहर पैदा हो रहा है जहां न भ्रम है, न मान्यता है, न कर्मकांड है, न पाखंड है। बस जीवन को परिमार्जित करने का तरीका, जीवन को कैसे तराशा जाता है, जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाता है, ये चीज बताया जा रहा है। न कृपा न क्रोध की बात कह जा रही है, न पूजा न पाठ की बात है, बस जीवन को तराशने की बात है। हम जीवन को कितना तराशते हैं। कबीर विचारों को सुनने के बाद में मन में एक लहर पैदा हो जाती है, इतना सुंदर विचार, अब मुझे भी जीवन में बदलना है। लेकिन कहना अलग चीज होता है आत्मीय बंधुओं, और करना अलग चीज होता है। जीवन में बदलाव आना अलग चीज होता है, बदलाव सहज नहीं आता है। बदलाव लाने के लिए बहुत ही मेहनत चाहिए, और कोई बिरला लोग होते हैं जो जीवन में बदलाव लाते हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कबीर पंथी है, राधा स्वामी है, गायत्री वाले हैं, ओम शांति वाले हैं, भोलेनाथ वाले हैं, सब मानने वाले बस हैं। बाहर से अंदर से परिवर्तन नहीं होता। संतों के विचार सुनते हैं, मन में एक नया लहर पैदा हो जाते हैं, कितना सुंदर विचार। लेकिन जीवन से एक चीज नहीं छूट पाता है, एक चीज नहीं छूट पाता है। यदि यहाँ कोई गुटका खा करके आते रहे होंगे तो यहाँ से जाने के बाद में गुटका छोड़ दे, कोई बिरला बिरला होता है। पता चलता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं कर्म कांड है। गले में धागा बांधे हैं कर्म कांड है, ताबीज बांधे हैं कर्म कांड है, हाथ में अंगूठी पहने हैं कर्म कांड है, इससे कुछ नहीं होने वाले हैं। पैरों में धागा बांधे हैं कर्म कांड है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सुनने के बाद लगता है बहुत अच्छा, क्या फेंक दोगे निकाल करके? इतना हिम्मत नहीं है फेंकने की। इसलिए सब मन का ये कहना चाहिए, रसपान बस हो रहा है। यदि जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है ना, तो बस मन का एक रुझान, मन का एक कानों के एक संगीत सुनाई पड़ता है, कानों में नया ओज पैदा हो जाता है। कितना अच्छा संगीत है, एक नए प्राण ऊर्जा मिलता है, नए विचारों का संचालित होता, विचार संचालित होते हैं। सुन करके लगता है बहुत अच्छा, और जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो हम सब के सब कर्मकांडी है, कड़वे शब्द है। हम जीवन में जो चर्चाएं कर रहे हैं और वो जीवन में फॉलो नहीं हो पा रहा है, मतलब ये कर्म कांड ही है। चाहे कितना ही अच्छा ज्ञान चर्चा क्यों ना हो, और सब हम बैठे उसमें से अधिकतम लोग कर्म कांड ही है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। मैंने कल भी कहा था कि माता पिता से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो। कितने लोग प्रेम करते हैं, सुनने में तो अच्छा लगता है, प्रेम तो नहीं करते, तो कर्म कांडी तो ही है अपने जीवन में। एक चीज और कहा था कि कबीर साहब का विचार कर्म सिद्धांत, कर्मों की सुधार, कर्मों को सुधारते जाओ जीवन बदलता चला जाएगा। जीवन कैसे बदलता है? मकान बदल दो, जीवन बदल जाएगा। अच्छा मकान बना लो, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, फॉल सीलिंग, मार्बल ग्रेनाइट बिछा दो, एकदम घर चकाचक लगेगा, जीवन बदल जाएगा। अच्छा खाना पीना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा। अच्छा गाड़ी ले लो, जीवन बदल जाएगा। अच्छा बड़ा सा मोबाइल रख लो, जीवन बदल जाएगा। सुंदर कपड़े पहनते, अभी तक 500 रुपए का कपड़ा पहनते थे, 5000 का कपड़ा पहन लोग देखेंगे, कहेंगे आदमी जीवन बदल जाएगा, कहेंगे ये सारी चीजों से जीवन नहीं बदलता है, इन सारी चीजों से सुविधाएं बदलती है, सुख का साधन बदलता चला जाता है, जीवन बदलता है।
अंतःकरण के परिवर्तन से। आपने अंतःकरण को कब बदला है, मन को कब बदला है, मन को सही दिशा की ओर कब ले गए हैं। अच्छी अच्छी ज्ञान चर्चा करना अलग बात है, लेकिन जीवन में हासिल करना अलग बात है। कबीर के विचारों को सुन करके जीवन में आचरित कोई बिरला बिरला करते हैं, बाकी तो कबीर पंथी है वो भी वामपंथी और नरकपंथी चले होते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि कबीर के विचारों पर सिर्फ ठोकरें मिलती है। सदगुरु कबीर के विचारों पर घर बदलना, मकान बदलना, पूजा पाठ, कृपा कोप, आशीर्वाद, ये सारी चीज कट जाते हैं। कहते हैं तुम बदलो, अपने मन को बदलो। तो मन को कहां बदल पाएंगे? जीवन ही नहीं बदल पाता है तो मन को कैसे बदलेंगे? एक गुटखा खा रहे हैं, 40 साल से साधना कर रहे हैं, लेकिन गुटखा नहीं छोड़ पाए, जीवन को क्या बदलेंगे? एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ में भी थे हम लोग, तो एक व्यक्ति सत्संग में आया, कहे साहब जी मैं 40 साल से सत्संग से जुड़ा हूँ। मैं कहा बहुत बढ़िया। वो आदमी गुटखा खाता था, दांत झड़ चुका है, लेकिन गुटखा खाना बंद नहीं हुआ है। अब क्या करता है? दांत झड़ गया है तो नया पाउच आता है ना, गुटके का पाउच, गुटखा का पाउच लेता है और इतना बड़ा छोटा सा एक हथौड़ी रखा है। गुटके के पाउच पत्थर पर लेता है, पत्थर पर रख करके हथौड़ी से उसको कूट देता है और कूट करके मुंह में डालता है, क्योंकि दांत नहीं है, दांत तो झड़ गए हैं। मैंने कहा आप गुटखा खाना कब से शुरू किए हैं? अच्छा ये बताइए कबीर पंथ से कब से जुड़े हैं? बड़ा गर्व के साथ और अहंकार के साथ कहता है कि साहेब जी मैं 40 साल से कबीर पंथी हूं। कितना गर्व होता है बोलने में। अच्छा गुटखा खाना कब से शुरू किए हैं? साहेब जी गुटखा खाते खाते तो मुझे 30 साल हो गया, छोड़ नहीं पा रहा हूं। नुकसान हुआ कि फायदा हुआ कबीरपंथी होने से? आप पहले गुटखा नहीं खाते थे, अब कबीर के विचारों से जुड़ गए और गुटखा खाना शुरू कर दिए। आपने कुछ भी नहीं सुना है, बस वहां जाकर के कहना चाहिए कानों का रस ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे हम सब की स्थिति है। कबीर विचारों को सुनने के बाद में जीवन बदलना चाहिए, जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, आत्मबल आत्मविश्वास जागृत हो जाना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास हरास होता चला जा रहा है। अपने बाहों बल पर भरोसा नहीं। सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं कर वहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके अंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम सबके लिए कहते हैं, हम सबके सब प्यासा और दरिद्र की तरह जीवन जी रहे हैं। यदि जीवन में शांति नहीं मिल रही तो इससे बड़ी दरिद्रता क्या हो सकती है? आत्मज्ञान की बात करते हैं, जीवन सुधार की बात करते हैं, कर्मों की सुधार की बात करते हैं, खान पान की सुधार की बात करते हैं, अपने बाहों बल की भरोसा की बात करते हैं और सुनते हैं बड़ा मजा आता है, लेकिन जीवन में भरोसा नहीं है। इतना बड़ा शरीर है, 6 फीट का शरीर, लेकिन 6 फीट के शरीर में भरोसा नहीं है, अपने गुरु परंपरा पर भरोसा नहीं है, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है, जिन आदर्शों को लेते हैं उन पर भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा होता है? एक पैर में काला धागा बांध लिया उस पर भरोसा होता है, लेकिन 6 फीट के शरीर पर भरोसा नहीं होता है। आदमी की बुद्धि देखिए, 6 फीट के शरीर पर भरोसा नहीं है, काले धागे पर भरोसा है, अपने जीवन पर भरोसा नहीं, अपने खान पान पर भरोसा नहीं, अपने डॉक्टर इलाज पर भरोसा नहीं, अपने माँ बाप, अपने गुरु परंपरा, अपने बच्चे पर भरोसा नहीं। आदमी क्या करता है? एक अंगुली में अंगूठी पहन लेता है, उस पर भरोसा है, लेकिन जीवन पर भरोसा नहीं है। अंगूठी पहनने वाले कह रहे होंगे साहब हम क्यों कह रहे हैं, जरूर कह रहे हैं। अंगूठी पहनने और का फायदा और नुकसान बता दूं? बस देखने में अच्छा दिखता है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं है, इतना ही फायदा है। नुकसान क्या क्या है? सोने की अंगूठी है तो कहीं घूम न मच जाए उसका डर। आप जब जब गंदगी साफ करते हैं तो गंदगी अंगूठी के नीचे चला जाता है, उसका नुकसान। गर्मी के दिन में अंगूठी पहनने से वहां पर ठंडा होता गर्म होता है और ठंडी के दिन में गर्म, ठंडी के दिन में ठंडा, गर्मी के दिन में गर्म, उसका नुकसान। अंगूठी कोई अच्छी चीज नहीं है। एक बहन सुबह सुबह रोज रोज एक मूर्ति के पास में पूजा करती थी और पूजा करती थी। एक दिन पूजा करने के लिए लगी, अगरबत्ती जलाई और हाथ जोड़ करके पूजा कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान मुझे सब कुछ देना, क्योंकि जितने पुजारी हैं सब भिखमंगे हैं,
कोई बिरला बिरला होगा जो आत्मा शांति के लिए पूजा करते हैं, कोई धन मांगते हैं, कोई पुत्र मांगते हैं, कोई नौकरी मांगते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा, तो कोई मकान, तो कोई दौलत, तो कोई और कुछ मांग रहे हैं। कोई बिरला बिरला होंगे जो आत्मा शांति के लिए पूजा करते हैं। वो बहन पूजा कर रही है, पूजा करते करते बोल रही है, उनको अलग से गंध आने शुरू हो गई। पूजा करते करते बहन बोलती है, हे भगवान, मैं जब जब रोज पूजा करती थी तो मुझे स्वयं सुगंध महसूस होता था, लेकिन आज पूजा कर रही हूँ तो मुझे दुर्गंध आ रही है। भगवान आज क्यों बदबू दे रहे हो? वो भगवान से बोल रही है, भगवान आज क्यों बदबू दे रहे हो? घर से बहू निकलती है, घर से उनकी सासू माँ निकलती है और बोलती है, बेटी बदबू भगवान नहीं दे रहा है, बदबू तुम्हारे अंगूठी के बीच में जो गंदगी फंसा है ना, तुमने जो कीचड़ साफ किया है वही गंदगी, टट्टी उसमें फंसा है वही गंदगी बदबू दे रहा है, भगवान बदबू नहीं दे रहा है। आदमी को अपने कर्मों पर भरोसा नहीं, मत पहनो अंगूठी, कोई जरूरत नहीं, कोई ओझा बैगा के पास जाने की जरूरत नहीं है। आदमी जब मकान बनाता है तो 40 लाख 50 लाख 60 70 80 लाख का मकान बनाता है, उस पर भरोसा नहीं होता है। किस पर भरोसा होता है? एक नींबू एक मिर्चा गूंद करके डाल देता है, उस पर भरोसा होता है, लेकिन इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं होता है। अब उस मकान में न किसी का नुकसान होगा, न कोई बीमार पड़ेंगे, न किसी की मृत्यु होगी, न किसी का एक्सीडेंट होगा, कभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नींबू और मिर्चा उस पर रखा है हुआ है, ये नाश करने वाले। आदमी की बुद्धि कैसे सेट लग गई है? आदमी इतने कमजोर होते चले गए हैं। हम लोग एक बार जयपुर गए थे, जयपुर में एक सुंदर मकान बनाया था, मकान करीब करीब 80 से 90 लाख रुपए में बनाया गया। मकान बनाने के बाद उस मकान में फॉल्स सीलिंग, ग्रेनाइट, मार्बल, पुट्टी, पूरा आल, पूरा मकान चमक रहा है एकदम। लेकिन मकान के ऊपर में एक व्यक्ति ने, एक मकान मालिक ने काल उस मकान के ऊपर एक काला पुराना टायर लटका दिया है। संत ने पूछा, भैया काला पुराना टायर क्यों लटकाया गया है इतने सुंदर मकान में? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज जी मकान मालिक ने इसलिए लगाया है क्योंकि इस मकान में किसी का नजर न लगे। तो संत ने कहा, क्या टायर रखने से नजर नहीं लगता? हाँ, मानते हैं महाराज जी कि टायर रखने से, इस मकान पे पुराना टायर रखने से नजर नहीं लगता है, टायर रखने से। संत ने कहा, मकान मालिक से बोल देना ये पुराना टायर ही है, एक नया टायर खरीद करके अपने गले में लटका लेंगे, उसको मौत का नजर नहीं लगेगा। हम सब सुनते बस हैं। बच्चे का तबियत खराब होता है, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए तो झाड़ फूक कराते हैं। बच्चे पैदा होते ही मैं कल भी कहा था, उनके पैरों में धागा बांध देते हैं, बच्चे को पूजा पाठ सिखाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पूजा पाठ किनकी करना चाहिए भी नहीं बताते हैं। बच्चे को मूर्ति की पूजा सिखाते हैं, बच्चे मूर्ति की पूजा करता है, कभी माँ बाप की पूजा सिखाते तो बच्चे माँ बाप की पूजा करता, आपने सिखाया ही नहीं। सौभाग्यशाली माँ बाप होते हैं जो अपने माता पिता की पूजा पाठ सिखाते हैं, अपने माता पिता की वंदना करते हैं। इसलिए कहा, कल श्री साहब जी ने कह रहे थे कि माता पिता की पूजा, आचार्यों की पूजा, अतिथि की पूजा, ये चार हमारे महापुरुष है और इनकी वंदना होनी चाहिए, इनकी भक्ति करना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ मूर्तियों की भक्ति करते करते हमारी बुद्धि भी कमजोर होती चली गई। जब आदमी गाड़ी लेता है तो 30 लाख 40 लाख 50 लाख की गाड़ी लेता है, उस पर भरोसा नहीं होता है, गाड़ी के इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं होता, गाड़ी के टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं होता है। आदमी गाड़ी लेता है तो गाड़ी में एक लाल चुनरी बांध लेता है, उस पर भरोसा होता है, उसके इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है, अब वो गाड़ी में एक्सीडेंट नहीं होगा। आदमी की बुद्धि देखी आदमी। मैंने कहा, सत्संग सुनते सुनते जीवन बीत जाता है। 30 साल 40 साल हो गया सत्संग सुनते, लेकिन आदमी एक खैनी रगड़ता है ना तंबाकू, उसको नहीं छोड़ पाता है। क्या सत्संग सुनते हो? कौन सा जीवन सुधारोगे? क्या बदल लोगे सत्संग सुन करके? मत सुनो, सत्संग की जरूरत नहीं है। कर्म कांड नहीं छूट रहा है, बुरी आदतें नहीं छूट रही है। बच्चे पैर प्रणाम कर रहे हैं, बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, उनको मस्त चेहरे से मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देना चाहिए। तो बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, अधेड़ अवस्था आ गई है,
और बच्चे को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, मुंह में पान गुटखा भरे हैं, तंबाकू भर रहे हैं, गलगल गलगल कर रहे हैं, लाल लाल थूक रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कौन सा आशीर्वाद मांगे? बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, पति पत्नी में लड़ाइयां भी चल रही है, कौन सा आशीर्वाद दोगे? बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, सास बहू में लड़ाइयां चल रही है, महाभारत युद्ध चल रहा है, कौन सा आशीर्वाद दोगे? जीवन नहीं बदलेगा, कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी हवन तर्पण कर लो, कितने भी सत्संग सुन लो, जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में परिवर्तन चाहिए तो आदतों को सुधारो, बच्चों को सही दिशा दो, सही ज्ञान दो, सही आचरण, सही शिक्षा सिखाओ, बच्चों को सही संस्कार दो, बच्चे को माता पिता की पूजा और वंदना करना सिखाओ, बच्चे को मूर्ति ही पूजा मत सिखाते रह जाओ। हर माँ बाप की एक शिकायत होती है कि हमारे बच्चा हमारा कहा नहीं मानते हैं। मैं लोगों से कहा करता हूँ कि आप अपने बच्चे को कब सिखाते हैं कि आपका कहा माने, और शायद मैं कहूँ कि आपके बच्चे आपका कहा मानते हैं। आपके बच्चे आपका कहा मानते हैं, आपने बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप जो बच्चे को सिखाते हैं, आपका बच्चा आपका कहा मानते हैं, आपने बच्चे को क्या सिखाया? हर माँ बाप की शिकायत थी कि हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते, और मैं कहा करता हूँ कि आपके बच्चे आपका कहा मानते हैं, बल्कि आप जितना कहते हैं उससे ज्यादा बच्चे करने के लिए तैयार होते हैं। आपके पहले सिंगल मंजिल का मकान था, आपके बच्चे डबल मंजिल बनाने की ताकत रखते हैं। आपके घर में पहले मोटरसाइकिल और साइकिल ही हुआ करता था, आपके बच्चे कार खरीद सकते हैं। आपके पहले सैलरी 20,000-30,000 था, आपके बच्चे 50,000 रुपए कमा सकते हैं। आपके पहले जितना आवक नहीं था, जो सुविधाएं नहीं थी, वो बच्चे आपके पास ला करके रख सकते हैं, क्योंकि आपने सिखाया है। नौकरी कैसे करना आपने सिखाया, पैसे कैसे कमाना आपने सिखाया, मकान कैसे बनाना आपने सिखाया, खेती खेती व्यापार कैसे करना आपने सिखाया। क्या आपने ये भी सिखाया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए? आपने सिखाया ही नहीं है इसको। आप कब बच्चों को बैठा करके प्यार से समझाए हैं कि जीवन को कैसे कैसे जीना चाहिए, बड़ों से कैसे आदर और सम्मान भरे शब्दों से प्यार से शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, अतिथि का कैसे सम्मान करना चाहिए, आचार्य का कैसे सम्मान करना चाहिए, माता पिता का कैसे सम्मान करना चाहिए? आपने कब सिखाया? आपने तो सिखाया ही नहीं है। आपका जीवन ही खुद नरक का द्वार बना है। घर में जाते ही महाभारत युद्ध चालू हो जाता है, घर में जाते ही अशांति का माहौल पैदा हो जाता है, घर में जाते ही बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं, आपकी पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं, आपसे वार्ता नहीं करना चाहते हैं, ऐसे ही अहंकार भरे लेकर के घर में प्रवेश करते हैं। कौन सा पाठ, कौन सा शिक्षक, कौन से कबीर की वाणियों को आप गहन वंदन चिंतन करते हैं? बदलिए जीवन को, कर्म कांड से हटते जाइए, बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। बच्चे को कभी अनाथालय में ले जाकर के दिखाइए कि वहाँ अनाथालय में बच्चे कैसे माँ बाप के बिना कैसे तरसते हैं। कभी वृद्ध आश्रम में ले जाइए, वहाँ ले जाकर के दिखाइए कि माँ बाप कैसे बच्चे के प्यार के बिना तरसते हैं, कैसे व्याकुल होते हैं, कैसे तड़पते रह जाते हैं अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए। कभी उनको आश्रमों में ले जाइए, संतों के सानिध्य में 2-4 दिन ठहरा करके दिखाइए कि कैसे बच्चे कैसे संत जन अपने खुद सेवा श्रद्धा और साधना के बल पर जीवन को परिमार्जित करते हैं। किसी ने कहा है, यदि संत न होते तो जल मरता संसार, ये संतों की कृपा है। और संत वो भी संत को कृपा है जिन संतों का ज्ञान और आचरण अच्छा है। संत बहुत है लेकिन संत नहीं है वो। संत वेशधारी बहुत है लेकिन संत नहीं है जिनका ज्ञान और आचरण ही छिछलापन हो, जो सिर्फ सिर्फ अपना व्यापार चलाता हो, जो सिर्फ सिर्फ अपना घर पोषण के लिए वेश धारण कर लेता हो, वो संत नहीं है। कुछ ऐसे भी संत होते हैं जो बोलते कुछ अलग है और करते कुछ अलग है, खाना पीना नहीं बदल पाता है, गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये ही नहीं छोड़ पाते हैं और संत भी हो जाते हैं। ये चलता है। जीवन को बदलिए,
बच्चों को सही दिशा ले जाइए। बच्चे को आप कार नहीं देते, मोबाइल नहीं देते तो बच्चे चार दिन छह दिन रोएंगे, और बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। आप बच्चों को कौन सा संस्कार देते? बच्चे को सही संस्कार दीजिए। आप किस घर में पैदा हुए, कितना बड़ा घर है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपके घर का माहौल कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। ये प्रकृति का नियम है, कोई धन से गरीब होता है, कोई अमीर होता है, लेकिन दिल से सब अमीर हो सकता है। आपके हाथों में है, आपके हाथों में है। आपके बच्चे की नौकरी लगती नहीं लगती ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बच्चा कैसा कितना पैसा कमाता है ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप बच्चे को अच्छा इंसान बना सकते हैं, आपके हाथों में है। आप खुद अपने जीवन को नहीं तराशेंगे तो बच्चों को कैसे बदलेंगे? शादी होने के बाद 40 साल 50 साल 60 70 साल हो जाता है, पति पत्नी झगड़ते झगड़ते पूरा जीवन बीत जाता है। जो खुद नहीं सुधर पाए, खुद जीवन को नहीं तराश पाए, बच्चों को कैसे समझाएंगे? जब सात भंवर फेरे में लिया जाता है तो कहा जाता है कि मैं सात जन्मों तक मैं आपका आपके साथ निभाऊंगा, एक जन्म तो निभाना मुश्किल हो जाता है। सात जन्म क्या निभाएंगे? एक जन्म को निभाते निभाते लगता है कभी इसके पल्ला छोटे, कभी इससे बाहर भागे हम। कभी पूछते हैं पति देव, ए जी मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, दो चार दिन में आ जाओ। पत्नी झट से बोल पाती है, दो चार दिन क्या, 15 दिन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवन नरक बन जाता है। बच्चों से प्रेम करना सीखिए। आपके बच्चे ही आपका भविष्य है, आपके बच्चे आपका भविष्य है। बच्चे को सही संस्कार दीजिए। सिर्फ कानों तक सुनते मत रहिए कबीर विचारों को। कबीर की विचार ऐसा विचार है, सद्गुरु कबीर का विचार जो अंदर झकझोर देता है, अंदर एक लहर पैदा, एक तूफान पैदा हो जाता है कि क्या करें हम। सुनने में तो कितना आनंद आता है, जीवन में एक भी परिवर्तन नहीं कर पाते। और यहाँ से जाते जाते आप लोग एक काम करना कि कम से कम बोलने की कला सीख करके जाना, यहाँ से जाना। बोलने की कला जीवन की सबसे सुंदर कला है, और जो आदमी बोलने की कला जान जाता है वो आदमी का घर घर बन जाता है, घर स्वर्ग बन जाता है, घर परिवार में आनंद से जीने का तरीका आ जाता है। और जिस आदमी को बोलने का कला नहीं आता वह घर नरक का द्वार बन जाता है। बच्चे भी दुश्मन बन जाते हैं, माता पिता भी दुश्मन बन जाते हैं, और जिस व्यक्ति को बोलने का कला आ जाता है वह व्यक्ति दुश्मन को भी मित्र बना लेते हैं, वैरी को भी मित्र बना लेते हैं। बोलने की कला आ गई तो, और बोलने की कला नहीं आई तो सब कुछ बर्बाद तबाह हो जाता है। बोलने की कला जीवन की सबसे सुंदर की कला है। बोलो ऐसे कि प्रीकर हो, हितकर हो, मधुकर हो, वाणी में मिठास हो, वाणी में शक्कर खुला हुआ हो, ऐसे शब्दों को चयन करके बोलना, क्योंकि शब्द एक ही है। एक शब्द के मार से आदमी राजपाट छोड़ देता है, और एक शब्द के मार से आदमी जीवन को नरक बना लेता है। शब्दों की मार, एक ही शब्द है। आप बड़े प्यार से कहते हैं तो वो शब्द ऐसा होता है कि माँ बाप आपके बच्चे आपसे प्रेम करना सीख जाते हैं। और शब्द एक ही ऐसा है जो कि कटु और कुठार शब्द बोला गया है तो आपके बच्चे भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपसे प्रेम करना छोड़ देते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, आपसे वार्ता नहीं करना चाहते हैं, आपको दुश्मन जान पड़ते हैं। शब्द के मार है। आत्मीय बंधुओं, बोलना सीखना, अपने बच्चों को प्रेम करना, अपने बहू से प्यार से बात करना, अपने बेटे से प्यार से बात करना, अपने सास ससुर से प्यार से बात करना, यहाँ से जाना तो बोलने की कला सीख करके जाना। मुझे जोर से तीव्र आवाज में क्रोधित होकर के अहंकार भरे शब्दों का उपयोग नहीं करना है, मुझे प्यार से धीरे से मधुकर वाणी का उपयोग करना है, आपसे सब प्रेम करना सीख जाएंगे। जीवन में बोलने की कला, इसलिए बोलने की कला बहुत जीवन की महत्वपूर्ण कला है। आप बोलना सीखिए। मैं कोई उदाहरण बताऊं। एक जगह एक माँ अपने बेटे की शादी करता है, और बेटे की शादी करने के बाद में उसके घर में बहू आती है। घर में बहू आती है तो घर में मक्खन खूब होता था। एक दिन मक्खन पकाने के बाद
घर मक्खन पकाने के बाद में घी से घड़ा बड़ा हंडा था उसको उठा करके कमरे में रख देने के लिए उनकी सासू माँ बोल देती है अपने बहू से, बहू से बोल देती है बेटी घी मक्खन पक जाने के बाद में घी से घड़ा बड़ा भरा हुआ हंडा उठा करके किचन में ले जा करके रख देना। कुछ देर बाद मक्खन पकता है और हंडा उठा करके घर में बहू किचन में ले जा रही है। गरम पका हुआ घी था हंडा में था, हाथ से छूट जाता है, घी गिर जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। दौड़ करके उनकी सासू माँ आती है, पूछती है बेटी तुमको कहीं चोट तो नहीं लगा, कहीं जला तो नहीं? बहू बोलती है माँ न चोट लगी न जला कहीं, लेकिन घी पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया, घी पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। सासू माँ बोलती है बेटी कोई बात नहीं, बेटी कोई बात नहीं, घी हम फिर से पैदा कर सकते हैं, घी हम फिर से बना सकते हैं, लेकिन तुम सुरक्षित हो ये सबसे बड़ी बात है। उनके मन में इतना प्रेम भर जाता है, इतना प्रेम भर जाता है। कुछ वर्षों बाद वही सासू माँ जब तबियत खराब होने के बाद खाट में बिस्तर में ही टट्टी पेशाब खाना पीना सब कुछ बिस्तर पे होता है। एक दिन उनके मायके से उनकी माँ देखने के लिए आती है अपनी समधिन को, तब उनकी बेटी की सफाई देखती है, टट्टी पेशाब खाना पीना सब कुछ इतना अच्छे ढंग से प्रेम से करती है, इतना प्रेम से करती है। उसके बाद में उनकी बेटी उनकी माँ पूछती है बेटी जब तुम ये सारे चीज करते हो तो तुमको बदबू नहीं आती है? बहू क्या बोलती है माँ मुझे बदबू नहीं बल्कि उसके जगह घी की सुगंधी आती है। एक सत्य था जो कि तुमको चोट तो नहीं लगा, घी के गिरने के बाद में जला तो नहीं। ये डांट देते यदि तुमने इतने सारे घी को बर्बाद कर दिए तो जीवन ही बर्बाद हो जाता सासू माँ का और बहू का। लेकिन उन प्यार भरे शब्दों का उपयोग किया, उसका परिणाम ये होता टट्टी पेशाब को चंदन की तरह साफ कर रही है और उसमें घी की सुगंधी आ रही है उसको। आप अपने बहुओं से प्रेम करना सीखो। आपके बहू आप मैं कहा करता हूं कि आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है, आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है। जिस दिन बहू में आपको बेटी नजर आए तो समझ लेना कि मैं आज एक सासू माँ नहीं बल्कि एक माँ बन गई। आपकी बेटी आपके बहू को एहसास हो जाए कि मेरे असली माता पिता मेरे असली माँ बाप मेरे सास ससुर ही हैं, उस दिन आप एक सास ससुर नहीं बल्कि एक माँ हो जाती है। इसलिए आप अपने बहुओं से प्रेम करना, आपकी बहू ही विषम परिस्थिति में काम आएगी, आपकी बहू ही आपके खाट में बिस्तर में पड़े रहेंगे तब काम आएंगे। आपकी बेटी काम नहीं आएगी, आएगी तो दो दिन चार दिन रहेगी, उसके बाद में चली जाएगी, कहेगी माँ मैं नहीं रुक सकती क्योंकि मेरे घर में काम है, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकती। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों से प्यार करो, अपने माँ बाप से प्यार करो और घर से जब जब निकलो तो चरण स्पर्श करके निकलो, माता पिता की चरण स्पर्श। मात्र पैर छूना ही नहीं होता है, पैर छूना सिर्फ पैर छूना ही नहीं होता है, पैर छूने के साथ साथ उसके आशीर्वाद होती है, उसके दुआएं होती है। जब जब आप चरण स्पर्श करके जाते हैं, घर से निकलते हैं, आप ही ड्यूटी खेत खलियान जाते हैं और शाम को आपका 6 बजे आने का टाइम है, 6:05, 10 मिनट हो गया, माँ और पिता गेट से बाहर निकल करके बार बार देखते हैं मेरे बच्चे आ रहे होंगे, मेरे बच्चे आ रहे होंगे। उनके दुआएं उनका प्यार आपको घर तक खींच करके लाता है, उनका प्रेम घर तक करके खींच करके लाता है। और यदि माता पिता से प्रेम नहीं होता, माता पिता से सम्मान नहीं होता, माता पिता से लगाव नहीं होगा और वो पैर नहीं छुएंगे आप, और उनके प्रति घनिष्ठता नहीं होगा, प्रेम से गदगद नहीं होगा मन, तो आपका घर ऑफिस से ड्यूटी से खेत से निकलने के बाद आपका पैर माता पिता की ओर ना बढ़ करके शराब भट्टी की ओर बढ़ेगा। आपका जीवन माता पिता से प्रेम करना। वो माता पिता है जो बच्चों के लिए हर कसम खाता है और बच्चों के लिए पूरे जीवन को दांव पे लगाता है, अपना एक एक पाई जोड़ता है, खुद जिन सुविधाओं को जिन चीजों को नहीं देखा वो सारे सुविधाएं बच्चों के लिए ला करके खड़ा करता है कि मेरे बच्चे सुंदर जीवन का निर्माण करें। कभी स्कूलों में नहीं गया वो बच्चे, अपने बच्चे को वो माता पिता अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराता है। माता पिता को कभी तकलीफ मत देना और सुंदर जीवन का निर्माण करना।
यह कार्यक्रम हर वर्ष होता है। श्री प्रभु मास्टर जी अपने बहुत लगन से हर वर्ष वो कराते हैं और बड़े लगाव से करते हैं। धन्य के पात्र है और साथ साथ पूरे परिवार उनके सुपुत्र धन्य के पात्र है। अपने ऐसे माता पिता के कोख से उन्होंने जन्म लिया है। अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहिए। वो पिता है जो अपने एक एक पाई अपने गाढ़ी कमाई का पैसा कहीं बाहर नहीं फेंक रहा है, कहीं कर्म कांड और पाखंड में नहीं लगा रहा है, बल्कि धार्मिक कार्यों में लगा रहा है। उसके बदौलत आपके घर में इस छोटे से झोपड़ी में उसके बदौलत ना जाने कितने बाहर से संत मेहमान भक्त आते हैं आपके घर में, आपके घर पवित्र करके जाते हैं, आपके घर से अन्न प्रसाद लेकर के जाते हैं और कितना प्रेम से यहाँ सत्संग वार्ता करते हैं। अपने पिता का आप सभी को सहयोग करते हैं और आगे सहयोग करते रहना चाहिए। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।